इधर है, एरी 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 एरी, ये देखो देखो विंग्स देखो, डॉल्फिन के नाम पर सार्क देख लो ये। गुड मॉर्निंग गाइस, सो एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चिल्का लेक की तरफ। तो चिल्का यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर है और वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो सब करेंगे। तो पीछे बसेज हैं तो हमने आज सोचा है कि कुछ नया करते हैं, बस से ट्राई करते हैं। तो बस ले लिए यहाँ से और अब देखते हैं आगे का क्या होता है, कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। पहली बार ही है मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा, तो जो भी होगा आपको बताएंगे, ठीक है। चलो आगे का, हम लोग आ गए हैं चिल्का लेक और ये सामने है चिल्का लेक। तो ये काफ़ी फेमस है उड़ीसा में, पुरी के पास ही है। तो अभी प्लान ये है कि हमने एक टूर प्लान लिया है, पहली बार ट्राई किया है लेके, कि देखते हैं कि टूर प्लान में कैसा मज़ा आता है। तो इसमें ये चिल्का लेक में आपको बोटिंग कराएंगे, अभी पीछे खाने पीने का इंतजाम है तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और इसके बाद बोट राइड करके एक टापू है उस टापू पे जाएंगे। एग्जैक्ट अभी नेम नहीं पता, नेम बताऊंगा आपको। और देन डॉल्फिन होता है इस चिल्का लेक में, डॉल्फिन भी है तो डॉल्फिन देखेंगे। हम लोग एसी बस से पुरी से और चिल्का आए, करीब 55 किलोमीटर्स है, और अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके अगले 15 मिनट में हम लोग बोट राइड पर जाएंगे। और फिर आगे का क्या क्या प्लान है जो अभी मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। आगे का जैसा एक्सपीरियंस रहेगा, जो रहेगा सब बता दूंगा, और क्या प्राइसिंग रही, क्या रेट रहा, सब बता दूंगा आपको लास्ट तक। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर इस अपने टूर को कंटिन्यू करते हैं। मंगाया हमने पहली बार डोसा, देखने में तो अच्छा लग रहा है, और ये कल रात की बिरयानी थी, और एक बिरयानी, वो सॉरी बिरयानी नहीं, एक मैगी मंगाई, क्योंकि मैगी का टेस्ट बढ़िया होता है। तो सोचा कम से कम अपना घर वाला टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खाना है ना, लोग हल्का खाते हैं, तेज मसाला नहीं खाता कोई। मैगी तो एज़ यूज़ुअल अच्छी है, होती है क्योंकि मसाला सेम होता है। और डोसा कैसा है? डोसा कैसा है मोहित? डोसा भी अच्छा है, प्लेन है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है, पर अच्छा है। चलो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये है चिल्का रिवर, अभी ओ सॉरी चिल्का लेक। ये सारी बोट है, अब देखते हैं हम किस बोट में चल रहे हैं। ये लाइफ जैकेट ले लिए, ये पहनना जरूरी है लाइफ जैकेट, और देखते हैं किस में बैठना है, क्या करना है। मैगी खाने में रह गए हम लोग, सब लोग वेट कर रहे हैं। वाओ ये हमारा ग्रुप तैयार है, वेटिंग फॉर अस, और हम यहाँ आए। तो गाइस ये है चिल्का लेक बोटिंग, तो गाइस हम लोग निकल गए हैं चिल्का लेक में और बस ये जा रहे हैं। बिल्कुल आगे बैठा हुआ हूँ मैं तो, बड़ा सही लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और देखो अब कहाँ लेके जाएंगे। अभी तो कुछ कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स तो नहीं दिख रहे, बट बोल रहे हैं कि होती है, चलो ठीक है। और आई थिंक वो टापू है जहाँ ये लेके जा रहे हैं हमें, तो देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। और बढ़िया एक्सपीरियंस है, अभी तक तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और काफ़ी क्लीन है, गंदगी बिल्कुल नहीं है। ये देखो आगे ही सपोर्ट की हुई, पीछे पीछे ये देखो केकड़ा, इसका कलर ऐसे ही होता है, ऑरेंज है और रेड है, रेड है। और कौन सा कलर आता है? काला। हाँ वो तो खाने वाला काला है, बड़ा बड़ा केकड़ा देखो भाई, खाने वाला लाल कलर, कहाँ से है? सूरत। ये है मोती का शहर, कितने टाइप के सुनने का बात अल्लाह नहीं है। ये क्या बोलते हैं शैल? शीशेल, मैच्योर हो जाता है एक तरह से। ये देखो मोती निकला, वो तो सब नेचुरल है, नेचुरल नेचुरल कलर है। और ये कितने का है? 550 है। हां 550। ये देखो वो वाला कौन सा? ये ओरिजिनल मोती है, वाइट, 500 रुपए का, और ब्लैक है 2000 रुपए का। ब्लैक तो मिलता ही नहीं है, भाई ने मेरे सामने कम से कम 20 तोड़ दिए, बट अभी तक निकला नहीं, वाइट निकला है। भैया तोड़ के दिखा रहे हैं कि ओरिजिनल मोती टूटता नहीं है।
भी मार के दिखाया है ये वाला सही है बिल्कुल। तो गाइस अभी हम लोगों ने देखे स्टोन्स और क्या देखा और भैया क्या था स्टोन्स के अलावा मोती देखा था ना मोती देखा थोड़ा सा डाउट था कि प्योर है कि नहीं किसी ने लिया नहीं। देखो अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं एक पॉइंट था ये ऐसे आई थिंक यहाँ पर तीन चार पॉइंट हैं जो हाँ भैया आप बर्ड्स को दाना दे रहे हैं आ रहे हैं बर्ड्स क्या है ये कौन सी बर्ड है यार तो देना देना मोहित मैं भी दूँ थोड़ा सा नहीं ले रही दिखाओ देखो उधर आ जाओ इधर चलो उधर बैठो बैलेंस बैलेंस मत खराब करो। हम लोग जा रहे हैं अब डॉल्फिन देखना है और ये जो बोट दिख रही है आपको तीन चार घूम रही है इधर ही कहीं डॉल्फिन है तो भैया बोल रहे हैं शांत रहना दिखेगी दिखाएंगे चलो देखते हैं अगर कैमरे में कवर होगी तो आपको दिखा देंगे। बोरी बोरी उधर है बोरी गाइस डॉल्फिन दिख गई सामने ही है फिंगर के इधर ही घूम रही है एक डॉल्फिन है बार बार शर्मा शर्मा के चली जा रही है पानी के अंदर अब देखते हैं दिखती है तो ओ देखो देखो आपको दिखी होगी मेरे कैमरे में आई है ये जो इधर है देखो फिंगर के पास जहाँ पर ये सारे बैम्बू लगे हुए हैं ना यहाँ पर है कहाँ अरे बोरी 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 हाँ दिखी दिखी इधर है ये रही ये देखो देखो विंग्स देखो डॉल्फिन के नाम पर सार्क देख लो यार तो इनको थोड़ा सा खिलाते हैं पक्षियों को बेचारे भूखे भूखे घूम रहे हैं दे दो मोहित मोहित सोच रहा है कि इनको कैच दे दो कैच नहीं लेंगे भाई वो सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना है चलो और देते हैं इनको थोड़ा सा आ गए ले लो भाई ले लो लंच कर लो लंच हो गया इनका दे दो गाइस चलो यार दो घंटे हो गए और थक गए तो अभी ये आइलैंड है इसको बेसिकली बोलते हैं सी माउथ यहाँ पर इधर अगर आपको दिखेगा नहीं वैसे कैमरे से मैं दिखाता हूँ कोशिश करता हूँ तो इस साइड है ना जो सी है सी और ये चिलिका आपस में जुड़ रहे हैं तो इसीलिए इसको सी माउथ बोलते हैं और ये बेसिकली जहाँ हम रुके हैं ये एक आइलैंड है तो यहाँ पर थोड़ा सा लंच वंच करेंगे और आई थिंक लंच तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कुछ हल्का फुल्का खाने को ही होगा वो तो खा पी के फिर यहाँ से और उधर कहीं अपना जहाँ से बोट स्टार्ट हुआ था बोट स्टार्ट वहीं जाएंगे तो करीब दो घंटे हो गए एक्सपीरियंस बढ़िया रहा चिलिका लेक आपस में मिले हैं ना वो आए हैं तो अभी आपने पीछे देखा था ना मैं बता रहा था कि हम इस आइलैंड पे उतरे हैं अभी तो उसी आइलैंड पे मैं थोड़ा सा वॉक करके जाएंगे तो ये आगे माउथ आ गया सी का जहाँ सी जुड़ रहा है आवाज़ भी आ रही है काफ़ी तेज लहरों की तो एक बार चल के आपको दिखाते हैं क्या है वैसे मज़ा तो मेरे को इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा था बट क्योंकि सब आ रहे थे तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कुछ रह ना जाए। बीच है जिसे सी माउथ बीच कहते हैं चिलिका का है तो काफ़ी साफ सुंदर क्योंकि लोग ही नहीं है तो क्लीननेस तो रहेगी और बढ़िया लग रहा है ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और लहरें भी चमक रही हैं क्योंकि ऊपर सूर्य देवता बिल्कुल पीक पर आ चुके हैं 3:30 बजे तो चलो एक दो पिक लेते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। हे गाइस सो हो गया डिनर लंच काफ़ी लेट हुआ है तो अब हमारा प्लान है अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस पुरी तो अपन सब बैठ गए हैं बस में और पुरी जा रहे हैं अब दो प्लान रहेंगे या तो हम यहाँ से भुवनेश्वर जाएंगे रात में या पुरी रुकेंगे या कोणार्क रुकेंगे अभी बहुत कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न हम आपको बता देंगे अभी हम यहाँ से चलते हैं ठीक है तो बस तैयार है अपनी एरी पीछे बस लड़के आवाज़ दे रहे हैं आ जाओ भैया व्लॉग बाद में बना लेना तो अपन चलते हैं ठीक है और फिर आपको आगे का अपडेट देंगे और वीडियो कैसी लगी बता देना ठीक है लाइक कमेंट कर देना और जो भी हो बता देना सही गलत ठीक है बस वीडियो को यहीं कम्प्लीट कर देना चलिए फिर ओके बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ठीक है ओके चलो बाय बाय।